बिटिया क्यों पराई है मेरी माँ, बिटिया क्यों पराई है। सदा चिड़िया दा चंबा वे बबूले असाई उठे जाना, सदा चिड़िया दा चंबा वे बबूले असा उड़ जाना। साठी लम्मी उडारी वे, साठी लम्मी उडारी वे बबूले केड़े देश जाना। साठा चिड़िया दा चंबा वे बबूले असा उड़ जाना। तेरे महला दे विच विच वे बबूल हुण कौन खेडे, तेरे महला दे विच विच वे बबूल हुण कौन खेडे। मेरिया खेडन मेरिया खेडन पोतरिया तिये कर जाय अपने, मेरिया खेडन पोतरिया तिये कर जाए। साडा चिड़िया दा चंबा वे बबूले असा उड़ जा, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे बबूल मुड़ नहीं आना। साडी लंबी चंबा वे बबूल असा उड़ जा। आज देखो बंदा दुखी क्यों है, कोई नहीं बेटा याद आती है आंसू दे आने पर ध्यान लगाना, आज असी दुखी हाँ, सब दुनिया दुखी है। 100 च 99 परेशान ने, फिर भी असी कहने मेरा भारत मान है। दुखी हाँ क्यों, जेड़े साडे वड्डे सी वो कौन सी, ध्यान देना, जेने साडे वड्डे या असी पैदा होए थे असी कौन पैदा होए सी, असी सनातनी पैदा होए सी, कह दो जय माता। किसी नूं मेरी गल बुरी लगे तो मैं बाहर गा के गल कर लेना, असी पैदा होए हैं सनातनी और अज बन गए हैं आर्य समाजी। घर विच तुलसा जी की पूजा नहीं करते, घर में जोत नहीं जलाने मना है, धूप नहीं जलानी, अगरबत्ती नहीं जलानी, ये साढ़े सनातन धर्म में किसी के बहकावे भी आके अगर ये काम करांगे तो ध्यान रखना 100% दुखी रहांगे। जिस घर के अंदर जोत नहीं जलती ना वो कभी रोशन नहीं आएगी, वो अंधेरे में ही रहेगा इंसान। और साडा सनातन धर्म है इज्जत देना ते इज्जत लेना, इयो पास साडा सनातन धर्म है। खाली इज्जत लैन नाल धर्म नहीं चलेगा, कहो जय माता दी, फिर बोलो उच्ची बोलो। मैं किसी को यह नहीं कहूंगा कि तुम मां नूं ही मन्नो, मन्नो उन्हूं जिन्हूं मन मन्ने, लेकिन मन्नो जिन्हूं, बाला जी नूं मन्नो, हनुमान जी नूं मन्नो, शंकर भगवान नूं मन्नो, किसी भी इष्ट नूं मन्नो, इष्ट होना जरूरी है। अगर इष्ट नहीं है तो ये जीवन भ्रष्ट है, कह दो जय बात। सनातनी पैदा हुए हैं तो सनातनी रहेंगे, इदे नाम दा खांदे आ, इदे नाम दे पेटा गांदे आ, तेरी लिख लिख के पेटा गाई जांदे आ, ते तेरे नाम दी कमाई असी वो केड़ी कमाई खा रहे हैं, ये पैसा नहीं खा रहे, ध्यान रखना, वो कमाई जेड़ी कर रहे हैं इदा नाम ले रहे हैं।
वो कमाई खानी है ऐसी, तो कोशिश करो। माला भी जप दिया ना 108 मलके ने, वो भी कितनी देर लग जाती है, उदे विच भी कई त्रुटियां आ जांदियां ने, ध्यान नहीं लगता। कोशिश किया करो, क्योंकि असी अच्छे हाँ तो साड़ी औलाद अच्छी होगी। सीधी जी गल, साढ़े संस्कार अच्छे होंगे अगर असी मां बाप नू पूजांगे, साड़ी औलाद सानू पूजेगी। जे असी मां बाप नू नहीं पूजांगे तो असी आस भी ना रखिए सानू कि साड़ी औलाद सानू पूजेगी। कह दो जय माता। आओ बेटा फिर कह दो। बोलो सच्चे दरबार की। और भक्तों रुकमन रोंदे रोंदे अपनी डोली के बैठ गई, रुकमन अपने ससुराल पहुँच गई। और तुसी सारे जानते हो तुहाडे आस पड़ोस के कोई नूह आती है तो सारे लोग उन्होंने कुछ ना कुछ शगुन पाने वास्ते जरूर जाते हैं। हुण रुकमन की सस ने सोचा कि मेरे घर के रुकमन आई है, मेरी बहू आई है, नूह आई है, इनू लैके मैं राणी तारा के महलों की तरफ जानी हाँ। हुण रुकमन उठा दो उन्होंने, कह दो जय माता दी। बस सब तो वड्डी बीमारी मेरे च है, मैं किसी सौन नहीं दिंदा हुंदा, ना मैं सोवांगा तो ना सुन देंगा। कह तू जय माता दे। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमन तो सस कहती है, रुकमन दोनों जनिया राणी तारा के महलों की तरफ जानिया वा, हो सकता सानू राणी कुछ ना कुछ शगुन पा दे। रुकमन तो सस राणी तारा के महलों की तरफ जा रही है, दूर तो राणी तारा ने देख लिया तो मेरे पिछले जन्म की बहन रुकमन है। रुकमन का दिल किया कि जाके अपनी भैन अपने गले न लगा लवा, लेकिन भक्तों उत्थे ऊंच ते नीच दीवार खड़ी हो गई। रुकमन भग्गिया के घरों आ रही थी और सुराज की राणी सी तारा। मन के जात पात का भेदभाव आ गया। तारा अंदर गई, एक थाल लिया, वो हीरे मोती जवाहरात पा के लिया के रुकमन की गोद च पाते। उसकी सस नूं कहन लगी भी अज तो बाद तेरी छुट्टी, अज तो बाद तू मेरे महलों में काम करन नहीं आना। उसकी सस से हाथ जोड़ के बैठ गई, राणी जी अद्धा तो असीं भुखे मर जाएंगे। तारा कहती है ऐसी कोई गल नहीं, अज तो बाद तेरी छुट्टी, तू अपने घर रह, मेरे राज कराने तो तेरी तनखाह तेरे घर आ जाएगी, लेकिन काम करने वास्ते तेरी भैन रुकमन तेरी नूह मेरे महलों के आएगी। और तारा कहती रुकमन तू कोई काम नहीं करना, मेरे महलों के एक भगवती माँ का मंदिर है, तू उस मंदिर की सफाई करनी है, उस तो बाद तेरी छुट्टी तू अपने घर जा सकनी है। क्योंकि तारा बड़ी चलाक सी, सोचती है हर रोज़ रुकमन आएगी, हर रोज़ मैं अपनी भैन वेख भी लिया करांगी, मेरे मंदिर की सफाई भी हो जाया करेगी। कह दो जय माता दी। और रुकमन हर रोज सवेरे जाना, रुकमन ने जाना झाड़ू देवन दरबार, सिर ते इंडुआ इंडुए ते टोकरी कच्छे मार बुहार, सवेरे जाना रुकमन ने। हर रोज सवेरे उठ के रुकमन नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पा के अपने वालों नू धो के सुखा के अपने वालों के नाल उस मंदिर की सफाई करती सी। कह दो जय माता दी। एक बार फिर कह दो जय माता दी। भक्तों तीन महीने कई साल बीत गए, रुकमन उस मंदिर की सफाई कर दी, लेकिन वो घर कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन भक्तों ने आरती अरदास किया, बाहर सीढ़िया च बैठी है। रुकमन कहती है भक्तों तुसी हर रोज़ इस माँ के दरबार जाते हो, ढोलकियाँ बजाते हो, छहने बजाते हो, आ जावा आ जावा आ जावा, तुहानू इहदे दरबार चों की मिलता है? भक्त कहिंदे रुकमन इसके दरबार चों दुध वाले नूं दुध मिलता है, धन वाले नूं धन मिलता है, औलाद वाले नूं औलाद भी मिलती है। रुकमन उस समय हाथ जोड़ के बैठ के, भक्तों अज मेरे नाम की अरदास भगवती माँ के चरणों में कर दिओ, अगर मेरे घर के लाल होएगा, मेरे घर में बेटा होएगा, तो मैं भी माँ के नाम का एक जगराता करावगी। और उस समय रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास की सी, एक अरदास जिन्होंने पूजा कराई सी वह भी करवाएंगे जरूर माँ के चरणों में, क्योंकि कुछ काम जरूरी होंगे है, इन्हों तो बिना जागरण सफल सपूर्ण नहीं मनाया जाता, क्योंकि विधि नाल किया होया काम ही इस जगत जननी माँ के चरणों में कबूल होंदा प्रवान होंदा है। और उस समय रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास करवाई थी। पहली अरदास भगती माँ के चरणों में होएगी। उस तो बाद अगर तुहाडे विचों कोई भक्त मंगना चाहे तो मंग सकते हैं, क्योंकि इस समय है माँ के दरबार चो मंगण का, कि जो भक्त इस समय सवेर के टाइम माँ के दरबार चो मंगते हैं, भगवती माँ की असीम किरपा होंगी है, एक साल के माँ अपने बच्चों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है।
जो भी तुसे मंगना एक कोई जरूरी नहीं है, एक कोई जरूरी नहीं है कि असी माँ के दरबार से 10 रुपये 50 रुपये 500 रुपये चढ़ावे तो आशीर्वाद मिलेगा। माँ के दरबार से अगर 2 फूल भी चढ़ा दोगे वह भी तुम्हें सिला मिलेगा। इस समय होंगे असी कह के बच्चों तो अरदास जरूर करवाने कि भावें कुछ भी करवाओ माँ के चरणों में अरदास जरूर करवानी चाहिए है। जो भी तुम मंगना चाहते हो यह भगवती माँ का वरदान है, जो बच्चे इस समय माँ के चरणों में मंगणगे 1 साल में माँ अपने बच्चों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। आओ जी पहली अरदास माँ तेरे बच्चे की अरदास चरण कमल के पास। जिस भावना बच्चे अरदास करवा रहे हैं मेहर भरा हाथ रखना, परिवार में सुख शांति प्रदान करना, अंग संग सहाई रहना, चरणों का प्यार देना। जकारा इन्हें सतारा तेरी झूले जो तेरा बाजेगा नगारा, महाराणी तेनों अपना संत संत प्यारा, जो एक मन होकर के करवाएगा अरदास माँ पूरी करेगी 1 साल में आस। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ जी बारी बारी रखते हैं इस समय की अरदासा जगत जननी माँ के चरणों में कबूल होंगे ने, क्योंकि रुकमन ने भी माँ के चरणों में अरदास की, माँ ने वो घर लाल दिता, वो घर सुंदर जहा बेटा होया। बोलो सच्चे दरबार की, क्यों कहते जो माँ की अरदास कराएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। इस समय की अरदासा कबूल होंदिया ने। इस समय मंदिरों के दरवाजे पंडित खोलते हैं और भक्त अपने इष्टदेव का दर्शन करने वास्ते जाते हैं, और उस समय रुकमन ने माँ के चरणों में अरदास कराई। रुकमन का लड़का काफ़ी वड्डा हो गया, रुकमन जगराता कराना भूल गई, और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना जिन्ना भी भक्तों ने इस समय मन ही मन भावें अरदास कराई है, जो तुहाडी आस मुराद पूरी हो जाए अपनी मन्नत जरूर उतार देना, क्योंकि माँ कष्ट देकर भी मन्नत ले लेंदी है। कहते माँ जब देने पे आती है तो ये छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेने पे आती है तो फिर थप्पड़ मार के भी लेंदी है। माँ को याद भी कराना आता है। रुकमन के नाल भी ऐदा ही होया, रुकमन ने अरदास की, रुकमन का लड़का वड्डा हो गया, रुकमन जगराता कराना भूल गई, लेकिन माँ को याद सी। एक दिन भगवती माँ ने लंगर वीर जी बालाजी महाराज ने हुक्म दिता, लंगर वीर ने जाकर उस बच्चे को कष्ट देता, बच्चा बीमार हो गया। हुण रुकमन कई दिन तक मंदिर में सफाई करने वास्ते नहीं आई, काफ़ी दिन बाद सफाई करना आई, तो भगत कहते रुकमन की गल, तू कई दिन तो मंदिर में क्यों नहीं आई। रुकमन रो पई, कहती भगतों मैं की दसा, मेरा लड़का बड़ा बीमार से, मैं कई डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, मेरा लड़का ठीक नहीं होया। भगत कहते रुकमन तू अपने लड़के को लैके मंदिर में आ। रुकमन ने लड़के को लिया मंदिर के बच्चे गई, भगतों ने लड़के को देख दी, कहता रुकमन तेरे लड़के को तो माता निकली है, और देखो माता निकलने का कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता आज के टाइम पर भी, अगर किसी बच्चे को माता निकल जाए, हर शहर हर कस्बे हर पिंड के बच्चे एक शीतला माता का मंदिर होंदा है, जिन्होंने कुछ लोग गुड़गावे वाली माता भी कहते हैं। शीतला माता के मंदिर में उस बच्चे को ले जाके माँ को कच्ची लस्सी का स्नान करा के मेवे का भोग लगा के अगर उही मेवा बच्चे को खिला दो तो बच्चा ठीक हो जाता है। रुकमन कहती भगतो रुक जाओ, मैं तो माँ के चरणों में अरदास की सी कि अगर मेरे घर लाल होएगा तो मैं भी माँ के नाम का एक जागरण करवावानी। कह तू जय माता दी। भगत कहने रुकमन तू अपने घर जाके डल बना के ला। रुकमन अपने घर गई, रुकमन कहती भगतों मैंने डल भी नहीं पता किस तरह बनते हैं। भगत कहने रुकमन ऐदा कर, अपने घर जा एक लाल रंग का कपड़ा लिया, उसे थोड़े चावल रख, थोड़ी हल्दी लगा, थोड़ा गंगा जल लगा, एक सोने का सिक्का वो बन के लिया के सानू दे दे, असी तेरे घर जगराते जगराता करन जरूर आवांगे। रुकमन ने डल बनाए, रुकमन ने डल बना ले भगतों को दिते, लेकिन भगत बड़े चलाक से सोचते ने तो भंगण है, ये घर अभी जगराता करन जावांगे किदां। भगत कहते रुकमन साडे मंडल की प्रधान है राणी तारा, तू डल जाके राणी तारा नू दे दे, असी तेरे घर जगराता करन वास्ते जरूर आ जाएंगे, क्योंकि जिते साडे मंडल की प्रधान चली जाएगी सानू जाण विच की तराज है। रुकमन ने डल ले जाके राणी तारा नू देते, और जो राणी तारा नू डल दे रही है बोल साचे दरबार की जय। केवल 2 मिनट लगा गए विधि अनुसार, 2 मिनट की विधि है पूरी करेगा, आप जल्दी आओ, आप आओ बहन जी। क्यों लेना थोड़ी समझ नहीं आना से की बोले, बीज मंत्र महाराणी के बाद चलना पड़ा के ओ तेरा काहे कलश काहे मांडला, तेरा काहे कलश काहे मांडला, कलश काहे मांडला, तेरा काहे कलश काहे मांडला, तेरा काहे का टकाए पवा, तेरा काहे का टकाए पवा, तेरा सतील कलश ग्रत मांडला, तेरा सतील कलश ग्रत मांडला, तेरा सतील कलश ग्रत मांडला, मैया
रूप रूप टका है बाबा, मैया रूप रूप टका है बाबा, रूप रूप टका है बाबा। जोत तो वार के रख दे, आगे देखो डल पड़े हैं जो आपने बनाए थे, ये उठाओ। जय भाई, खोल लो इसको। काकू बेटा दोनों हाथ पीछे लगा लो। प्राण वाली माता जी थारी सदाई जय, सब दिया खालियां चोलियां भरण वाली माता जी थारी सदाई जय, 84 घंटियां वाली माता तेरी सदाई, चित पूर्णी सब दी चिंता दूर करण वाली माता जी थारी सदाई जय। वही रख दो जा उठाए, और भक्तो रानी ने डल ले लिया, थोड़ा सा बांटेगा प्रसाद खुला, ये इसी में से खोल लो एक पैकेट। परोस बाटा प्यार होया देवा जी, पहले सुन ले फिर बोया, दूर का काम फैन भेज दे वे, ओ तेरा पास परोस बाटा प्यार होया देवा जी, आओ मेरे साधा भोग लगाओ, मारो मैया तेरे रल मिल साधा भोग लगा लिया देवा जी, तारा रानी गोद पर बाबा गोद पर के रानी चल पड़ी देवा जी, राजा हरि जग लइए अटका तारो मैया। और भक्तो रानी ने डाल ले ले, जब रानी डाल ले रही थी उन्हें एक इंसान देख रहा है, कौन उन्हें देख रहा है? एक नाई। कौन देख रहा है? नाई, क्योंकि नाई लोग बड़े चलाक होंगे ने, काफी चलाक होंगे नाई। बैठा तो नहीं इतने, कोई बैठा तो नहीं, चलो बैठा भी हो तो मैं की कह इो कहना नाई चलाक होंगे, और तेन कुछ कहा तेरी घड़े भैंस खोल लेनी। हाँ, नाई बड़ा चलाक सी, इस पंथ के बारे जानता सी कि जो इंसान एक बार इन्होंने डला हाथ लगाएगा उन्होंने जगराते भी जरूर आना पेगा। देखो साढ़े पंथ की विधि है, साढ़े गुरु जी है, साढ़े पंथ की विधि है, अगर कोई इंसान एक बार इन्होंने डला हाथ भी लगा ले भावें घर के कितनी वड्डी मुसीबत आई हो, जगराते दे विच आके डल जरूर चढ़ाने पैणगे। कह दो जय माता दी। नाई ने जाके राजा नूं शिकायत लगाती, महाराज तुहाडी राणी कल भंगियां दे घर जगराते विच जाएगी। राजा कहते रहे नाई मेरी राणी पतिवरता स्त्री है, मेरी इजाजत तो बिना भंगियां दे घर जगराते विच नहीं जाएगी। नाई कहिंदा महाराज तुसीं अपने राजपाट के सारे दरवाजे बंद करा लो, जिन्ना चाहे पहरा लगा लो, मैं दावे दे नाल कहना तुहाडी राणी जगराते विच जरूर जाएगी। राजा कहिंदा नाई तूं इन्ना चलाक है, इहदा कोई हल दस कि मेरी राणी जगराते जाए ना। नाई कहिंदा महाराज इहदा इक हल है, तुसीं इदां करो अपनी उंगली मैनूं दिओ, इहदे उत्ते मैं उस्तरे दे नाल कट लगा देंगा, इहदे उत्ते थोड़ा नमक और थोड़ा मिर्च भर देंगा, उपर तो पट्टी बन देंगा, दर्द के कारण ना तुहानूं नींदर आएगी और ना तुहाडी राणी जगराते विच। राजा कहिंदा वाकई तू नाई बड़ा चलाक है यार, जदों तू मेरी उंगली कट्टेगा मैनूं दर्द नहीं होएगा। नाई कहिंदा महाराज जां ते दर्द सह लो या राणी नूं जगराते जाण दो। राजा कहिंदा जल्दी कर मेरी उंगली कट। राजा ने उंगली कटवा ली, हाय हाय करदा वो राणी तारा के महलों के विच आ गया। राणी ने जिस तरह ही अपने पति नूं देखा, अरे महाराज तुहाडे हत्थ ते की होया? राजा कहिंदा राणी मैनूं परेशान ना कर, मैनूं नींदर आई है, मैं सोना चाहना वा। तो राजा ने की किया, राणी के पट का सराहना बना के राजा सोन की कोशिश करन लगा। बड़ा चलाक सी, सोचता वैसे तो मैनूं दर्द के कारण नींदर आएगी नहीं, गलती नाल किधर नींदर आ गई, राणी जिस तरह ही अपना पट कढेगी मेरी नींदर खुल जाएगी, मैं राणी नूं जान नहीं देंगा। लेकिन भक्तों जिन्हों भी ये भगती माँ बुला लेंदी है, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं उन्होंने रोक जाए। ऐसी माँ की कृपा हुई, उन्होंने महलों के इन्नी मस्त हवा चली, इन्नी ठंडी हवा चली कि गुड़िया फिर नींद आ गई।
कह दो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। और उस टाइम राजा नूं नींद आई, राणी जगराती तरफ जा रही है, की देखती है पहरेदार आराम नाल सुते पए है, लोहे दे वड्डे वड्डे ताले अपने आप खुल गए। राणी ने अपनी साड़ी नूं रस्सी बनाया, महला तो जिस तरह ही थले छलांग लगाई, अचानक बिजली चमकी, प्रकाश होया, और उस प्रकाश के कारण राणी ने दूर तो देखा कि चोर खड़ा है। राणी घबरा गई, सोचती है चोर है, रात का राजा है, मैंने लुटन की कोशिश करेगा। उस समय राणी ने माँ के नाम से जयकारा लगाया, जयकारा शेरों वाली दा। तुहाडे विचों काफ़ी भक्त वैष्णो देवी दरबार गए होंगे, उत्थे जांदे बोलो जय माता दी, आंदे बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई, उत्थे किसी नूं कहन दी जरूरत नहीं पैंदी, कह दो जय माता दी। क्यों? उत्थे उच्चे उच्चे पर्वत और नाल गहरी गहरी खाई, उत्थे जिन्हें जयकारा ना लगाया समझो ओहदी शामत। इत्थे ना कोई पहाड़, ना कोई खाई, इत्थे विच चटाई, कि वो माँ दरबार असली है। वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार असली है, तो फिर बोलते क्यों नहीं? तू तो इधर शर्म कर रहे हो, जी मैं जेठ नु कुछ कहना कहना पै रहा। स्वर्ग तो सोना तेरा द्वार, माए हाथ जोड़ खड़े, स्वर्ग तो सोना दरबार, माए हाथ जोड़ खड़े, माए साड़ी भी सुन ले पुकार, माए साड़ी भी सुन ले पुकार, माए हाथ जोड़े खड़े, स्वर्ग तो सोना तेरा द्वार, माए हाथ जोड़ खड़े, तेरी जय जय बोलिए, रख के भरोसा तेरी जय जय बोलिए, रख के भरोसा तेरी जय जय बोलिए, तार नाल जुड़ी रवे तार, साड़ी तार नाल जुड़ी रवे तार, माए नी हाथ स्वर्गा तो सोना तेरा द्वार, माए हाथ जोड़े खड़े, माए हाथ जोड़े खड़े। और भक्तो, राणी ने जिस तरह ही छलांग लगाई, अचानक बिजली चमक रही, प्रकाश होया, और प्रकाश के कारण राणी ने दूर तो देख लिया कि चोर खड़ा है। राणी समझ गई रात का टाइम है, चोर ही हो सकता है। राणी ने उस टाइम माँ के नाम का जयकारा लगाया, राणी दौड़ती हुई जिस तरह चोर के अगों निकली, उस चोर ने ऐसा चपट्टा मारिया, राणी के साड़ी का पल्लू उत्थे हाथ में आ गया, पैरों की जुत्ती उत्थे रह गई, और राणी जगराते बीच पहुँच गई। कह दो जय माता दी। पिछों राजा की नींद खुली, राजा सोचने लगा वो नाई तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि तुम्हारी राणी जगराते भी जरूर जाएगी। राजा ने की किया, राजे के वस्त्र उतारते, आम वस्त्र पाए, हाथ में तलवार ले ली, राजा भी राणी के पिछे पिछे जा रहा है। की देखता है, अचानक अंधेरे विचों राजा नूं आवाज़ आती है, भले आदमी तू कौन? हुण राजा बड़ा चलाक सी, समझ गया रात का टाइम चोर ही हो सकता है। राजा ने अपने आप नूं कहता, अरे भाई मैं चोर। आवाज़ आई कि भले आदमी तू कौन? राजा कहता भाई मैं चोर। काला चोर कहता तू चोर तो मैं भी चोर, और चोर चोर हाँ मुसेरे भाई सारे याद ने तुहानूं, कह दो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की। राजा कहता भले आदमी, इत्थों थोड़ी देर पहले औरत निकल के गई है। वो चोर कहता यार की दसा, हवा की तरह आई और आंधी की तरह निकल गई, मैं उन्होंने पकड़न की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पैरों के पल्लू इतने रह गए, साड़ी का पल्लू इतने रह गया, पैरों की जुत्ती इतने रह गई। राजा कहते भले आदमी तो चुक के अपने घर क्यों नहीं जा रहा, साड़ी के उत्ते देख किन्ने हीरे मोती जवाहरात लगे है, सोने की जुत्ती है। वो चोर कहता यार की दसा, मैं जिस तरह ही जुत्ती में चुकना वा मैं अन्ना हो जाता वा, इन थले रखना मैं साफ साफ नज़र आता है। राजा कहता भी इदा नहीं हो सकता। चोर कहता तू चुक के देख ल। राजा का माल से राजा ने क्यों आंदा होना सी?
राजा ने जिस तरह सिर नीवा किया जुत्ती चुकया चोर कहिंदा किन्नियां उंगलियां ने राजा कहिंदा चार चोर कहिंदा किन्नियां उंगलियां ने राजा कहिंदा दो चोर कहिंदा यार कमाल की गल है मैं चुकना मैं आना हो जाना तेनू साफ साफ नज़र आ रहा है राजा कहिंदा भले आदमी ए बड़ा वड्डा जादू सी मैं सब जादू खत्म करता है तू चुक के देख तेनू साफ साफ नज़र आएगा अनजान चोर सी सोना चांदी देख के मन दे विच लालच आ गया चोर ने जुत्ती चुकन वास्ते जिवें सिर नीवा किया राजा ने तलवार कढ़ी चोर का सिर कटता राजा सोचता चोर है अज इन्हें मेरी राणी ते हमला किया है कल किसी मेरे नागरिक को भी परेशान करेगा इनू सज़ा देना मेरा फर्ज है चोर का सिर कटता पैरों की जुत्ती ले ली साड़ी का फुल्लू ले लिया राजा कितने पहुँच गया जगराते तुसी कितने बैठे हो शिव शक्ति बोलो सच्चे दरबार की माँ के प्यार की देखो असं तमाम रात तो माँ के चरणों में जागरण कर रहे हैं असं कि माता का जगराता कर रहे हैं शेरोवाली माता का हाँ जी कि माता जगराता हो रहा है क्या बात है बिल्कुल ताली लगाओ इन्हों के नाम की ठीक दस्या जागरण हो रहे हैं वैष्णो दे वैष्णो जोत कि है जी नहीं जोत है ज्वाला दे तुसी कलश भर के रखे कलश कि है कहो जय माता दी कलश है माँ मनसा देवी का अज जागरण वैष्णो दे हो रहे पहले जागरण होंगे काली माँ के और काली माँ के जागरण के मध और मास का प्रसाद दिता जाता है जिस भी जीव को कट के प्रसाद बनाया जाता है इन्हों भगतों में इन्नी शक्ति होंगी सी कि मंत्रोच्चारण के नाल उस जीव को फिर तो जीवित किया जाता है बोलो काली मैया की सच्चे दरबार की और काली माँ के जागरण अज की तरह खुलेआम नहीं होंगे बंद कमरे के जगराते होंगे जो भक्त एक बार जगराते बैठ जाते सवेर तक जब तक आरती नहीं होंगी सी उतों को उठ के नहीं जा सकता सी और जागरण शुरू होने तो बाद कोई और आदमी वो आ भी नहीं सकता सी इसलिए राजा दरवाजे के चरोके तो देख रहा है राणी अंदर भक्तों कह रही है भक्तो जल्दी करो माँ को भोग लगाओ किधरे ये ना हो मेरा राजा आ जाए उस समय भक्तों ने माँ को भोग लगाता तेरा खिच बरस बाटा चालिया देवा जी मेरी मैया जी को भोग लगाए तारो मैया तेरा खिच बरस बाटा बाटिया भक्ता ने तारा रानी गोद भरा तारो मैया राणी ने अपनी गोद फरवा ली जाने लगी भक्त कहने राणी तू प्रसाद खा राणी कहती भक्तों मैं पतिव्रता स्त्री हाँ पहले मैं अपने पति देव नूं खिलावांगी और बाद में मैं एक नहीं बोलेगी जिन्हां चों कह दो जय माता दी क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री सी पहले अपने पति देव नूं खिलावांगी बाद में मैं खुद खावांगी इस तरह एक बार कह दो जय माता दी और उस समय राणी कहती महाराज राणी कहती है भक्तों जल्दी करो भक्तों ने भोग लगाता चोली प्रसाद पाता राणी जिस तरह ही दरवाजे तो खोल गई जिस तरह ही दरवाजा खोलिया देख के हैरान हो गई राजा नूं देख के राजा कहिंदा राणी तेरी गोद विच की है राणी कहिंदी महाराज अंदरों मैं फुल पतासे लै के आई हाँ राजा कहिंदा नहीं राणी मैं तेरी गोद देखना चाहना वा भक्तो राणी ने जिस तरह ही अपनी गोद दे वेख्या उन्हें भगवती माँ की तस्वीर नज़र आ गई बोलो सच्चे दरबार की राणी नूं हौसला हो गया राणी कहिंदी महाराज मैं तुहानूं गोद ते जरूर दिखावांगी लेकिन जिदा मैं कहाँ कि उदा तुहानूं करना पेगा राजा कहिंदा राणी तू जो कहेंगी मैं करन वास्ते तैयार हाँ तेरी गोद जरूर देखांगा भक्तो राणी ने जिस तरह ही अपनी गोद दिखाई कहिंदे ने मध्य सुराही दुद्ध हो गया त्राड़ियां पाना दे पात सिरा सिरा केसर हो गया माँ मेरी जहरी कला दिखाई माँ की ऐसी असीम कृपा हुई जो अंदरों शराब लैके चली सी वो दुध बन गया जो रोटियां लैके चली थी ए पान के पत्ते बन गए जो मास दी डलियां लैके चली थी छुआरे बन गए बटक मेवा प्रसाद यही पंचमेवे का प्रसाद बन गया और राजा देख करके हैरान हो गया कि राणी ऐसी की करा माँ तेरी माँ के अंदर अरे मैं अपनी अखा के देखा तुझे हने हने अंदरों मध और मास का प्रसाद लिया राणी कहती महाराज जी मेरी माँ की कृपा है जो माँ से विश्वास करते हैं ना माँ अपने बच्चों की जरूर मनोकामना पूर्ण करती है हुण राजा और राणी महलों के आ गए राणी कहती महाराज इस दुनिया के सब तो प्यारी चीज़ तुहानू की है राजा कहते राणी सब तो प्यारा मैनू मेरा घोड़ा जिस ते सवार होकर के मैं जंग जीतने वास्ते जाना वा राणी कहती महाराज अगर पंथ देखना है तो जाओ अस्तबल में अपने घोड़े का सीस काट के लियाओ राजा गया अस्तबल में अपने घोड़े का सीस कटिया जंगल में दबाता राणी कहती महाराज दूसरी प्यारी चीज़ तुहानू की है राजा कहता राणी दूसरा मेरा बेटा गोपाल जिन्हों मैं बेइंतहा प्यार करता हाँ राणी कहती महाराज अगर पंथ देखना है तो जाओ अपने बेटे का सीस कट के लियाओ
भक्तू राजा गया जाकर के महलों के आवाज लगाई, बेटा गोपाल, आवाज आई, आया पिता जी। राजा कहते देख बेटा वो आकाश तो तेरी माँ चली आ रही है। छोटा जा बच्चा सी, माँ नू देखने दे वास्ते जिस तरह सिर उच्चा किया, राजा ने तलवार कढ़ी अपने बेटे का सीस कट लिया कि राणी मैं अपने लाल की अर्थी को तारा लेके आया हूँ, अरे कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। राणी कहती महाराज अगर पंथ देखना है तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके इस कढ़ाई दे विच पा दियो। भक्तो राजा वचनबद्ध है, अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े किए कढ़ाई च पाते। राणी कहती महाराज ये थले अग जलाओ। राजा कहता नहीं राणी, रसोई करना औरतों का काम है, रसोई करना एक नहीं बोलेगी तो सवेरे उठ देंगे नहीं। सुनो जी मेरे तो पहले उठ गए हो, चलो अंज करो दो कप चाह बना लो, एक तुसी पिया जे एक मैं पियाँगी, एक बारी हाथ उच्चा करो जेडे इदा ही करते हैं सारे, एवं सारे ही करते हैं अच्छे दरबार की। और उस टाइम राणी ने माँ ज्वाला जी ने याद किया, माँ ज्वाला ने आके दर्शन दिते, एक झटके के नाल ज्वाला प्रचंड हुई और बेटे का मास पक्के तैयार हो गया। राणी कहती जाओ महाराज महलों में पांच कटोरियां लेके आओ। राजा कहते राणी तू ये पांच कटोरियों का की करेंगी? राणी कहती महाराज पहली कटोरी मैं माँ को भोग लगावगी, दूसरी कटोरी तुहाडा घोड़ा खाएगा, तीसरी कटोरी तुहाडा बेटा खाएगा, चौथी तुसी ते पंजवीं मैं। राजा कहते राणी तू क्यों मेरे मन को बहका रही है? अरे घोड़े ने मैं मारता जंगल दबाता, बेटे नु मारता सब्जी बनाती, तू कह रही है कि तेनों थाली में रख के ढक के लिया जी तेरा बेटा मिल जाएगा। राणी कहती महाराज तुम मैंने वचन दिता से जिदा मैं कहूँगी उदा तुम तू करना पेगा। भक्तों राजा वचन बद गया जाके पांच कटोरियां लेके आया, पहली कटोरी राणी ने माँ भोग लगाता, दूसरी कटोरी दी लो महाराज जाओ महलों के अस्पल अपने घोड़े को खिला के आओ। भक्तों राजा वो कटोरी लैके जा रहा हौले हौले, जिस तरह अस्पल के नज़दीक पहुंचा सी लैके चलिया सी बेटे की सब्जी, हटाया कपड़ा बन गए छोले, की बन गए छोले, घोड़ा की खा गया, तुसी की खाओगे? काले काले खवाण वाली माता तेरी सदा ही। और उस टाइम राजा ने घोड़े नु देखा, मन दे विच गल आ गई हो सकता मेरा घोड़ा मिले मैनू मेरा बेटा भी मिल जाए, मन दे विच थोड़ा रहम आ गया। राजा गया राणी दे कोल, राणी कहती एलो महाराज कटोरी और जाओ महलों के अपने बेटे नू खिला के आओ। भक्तों राजा ने कटोरी ली जाके महलों के आवाज लगाई, बेटा गोपाल बेटा गोपाल बेटा गोपाल, गोपाल नहीं आया। उस समय राजा ने गुस्सा आया, राणी तेरे कहन के कारण मैं घोड़े नू मारता, राणी तू घोड़ा तो बाजारों लिया के बनता, कहती हीरे वर्गे बेटे बाजारों नहीं मिलते। उस टाइम राजा ने बड़ा गुस्सा आया कि राणी तू जिथे मिलेंगी उत्थे ही तैनू मार देंगा। भक्तों राजा ने हाथ में तलवार ले ली, जिस तरह ही राणी को गया राणी ने देखा अपने पति को देख के घबरा गई, सोचती है किधरे ये ना होए कि बेटे के वियोग विच अज मैं अपने पति तो हाथ धो बैठा। राणी कहती है महाराज सच्चे मन नाल मन दे विचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छड के ये जात पात के भेदभाव छड के तुसीं सच्चे मन दे नाल जाके आवाज़ लगाओ, मैं दावे दे नाल कहनी तुहाडा बेटा तुहानूं जरूर मिल जाएगा। और राजा कह लगा राणी या तो तू ये पुत्र मेरा घोड़ा जीवित करवा दे, अगर हुण भी तेरी मां नहीं आएगी मेरा पुत्र तो घोड़ा जीवित नहीं होया, तू जो किया मैं वो कर दिता है, या तो अपनी मां को बुला दे ते हुण मैं लावां शीश तेरा, तेरी वेखांगा आद कवारी नूं किवें लौंग लाचियां सी करदी, अज वेखांगा शेर सवारी नूं। उस मां नूं बुला जिहड़ी तेरा प्रशाद बदल गई सी, प्रशाद सब बदलिया होया वेख्या राजा हैरान हो गया, प्रशाद की बनिया? लहू सिकेसर रोली बनिया, लहू सिकेसर रोली बनिया, मास कड़ा पंगूर होया, मास कड़ा पंगूर होया, अड़िया फुल मखाने बन गए, अड़िया फुल मखाने बन गए, माता नू मंजूर होया, माता नू मंजूर होया, लोग इलाचिया बन गया वाकी,
लौंगी लाजिया बन गया बाकी मैया का दस्तूर होया ओ मैया का दस्तूर होया कबदा कबदा राजा कहंदा कबदा कबदा राजा कहंदा कबदा कबदा राजा कहंदा कबदा कबदा राजा कहंदा मेरा परम ना दूर होया ओ मेरा परम ना दूर होया कहंदा रानी अपनी आँखा नाल मैं सब कुछ वेखिया जो तू अपनी चोली विच पवाया उन चीजा विचों इक ना निकली राणी की है तेरी माया राणी एक कोई माया है तेरी या तू जादूगर नहीं है तो या तेरी माँ जादूगर नहीं है राणी कहन की राजा ये जादू नहीं है ये शेरा वाली दे खेल मेरा ओ शेरा वाली दे खेल निराले शेरा वाली दे खेल निराले शेरा वाली दे खेल निराले जिन्नू तक दे करमा वाले तक दे करमा वाले शेरा वाली दे खेल निराले महाराणी राणी कहने की राजा माँ के खेल है कि नहीं तो राजा कहना राणी मैं भी तेरी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ मैंने भी दर्शन करवा दे तो राणी कहने की राजा पहले दिल अपना साफ बना ले फिर मैया अरजी सुना ले पहले दिल अपना बना ले मेरे मैया नु अर्जी सुना ले मेरी शक्ति वधा मेरी शक्ति वधा मैनू चरना चला कहंदा जावी ओके पेंडे तो ना घबरा ओके पेंडे तो ना वरदाता दी कहंदा जामी ओके पेंडे तो ना घबरा के जय माता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी देखी पेंडे तो ना घबरा रड़ी कहन की राजा ओदे नाम दा लेके सहारा ओदे नामे दा लेके सहारा लंग जावेगा पर्वत सारा लंग जावेगा पर्वत सारा देखी सुंदर गुफा चमन जन जन भूला देखी सुंदर गुफा चमन जन भूला पर्वत सारा कवि मैया नु कहदे जय माता दी मैया वरदाता दी कहंदा जामी ओके पेंडे तो ना ओके पेंडे तो ना कबरावे पहला दर्शन है कोल कदोली दूजा दर्शन मैया पोली दर्शन है कोल कंडोली दूजा देवान परनिया छोड़ी पहला दर्शन कोल कंडोली दूजी देवान परनिया छोड़ी पहला दर्शन है कोल कंडोली दूजा देवान परनिया छोड़ी आद कवार नू जग संसार शीश झुकावी ओकी पेंडे तो ना घबरावे मैया जगदाता दी कह के जय माता दी तुरिया जावी देखी पेंडे तो ना घबरावे राजा कहन लगे राणी
मैं तेरे तो भी प्रसन्न हाँ ते तेरी माँ तो भी प्रसन्न हाँ बेटा और घोड़ा जीवित हो गए मंग मेरे को की मंगना चाहनी है तो त्यार लगाना रानी ने की मंगिया कि राजा अगर कुछ देना चाहने तो एक मंदिर बनवा दे महाराणी दे शहर दे बाहर दूरो दूरो संगता आन गया महाराणी दा आशीर्वाद पा राजा कहना रानी मैं मंदिर बनवा देंगा लेकिन जब मंदिर का उद्घाटन होएगा मेरी शर्त होएगी जितने भी संगत मंदिर में आएगी अगर सारी संगत दे सामने ए तेरी माँ अपने शेर ते बैठ के खुले खुले दर्शन देगी तो मैं मंदिर बनावांगा वरना मंदिर राजा ने इतनी गल की रानी कहने लगी राजा तू मंदिर बनाने की तैयारी कर ते मैं मानू कर भला सो हो भला क्योंकि राजा वेख चुकिया सी तारा राणी वहां भी पकतरी है जो तारा मुंह चो कहेगी वो मां जरूर सुनेगी वो पूरा होएगा ही होएगा तो राजा कहने लगा रानी मैं मंदिर बनावांगा राजे ने मंदिर बनाया यथा शक्ति अपनी औकात को भी ज्यादा लगाया मंदिर बन के तैयार हो गया जब मंदिर का उद्घाटन होने लगया दूरों दूरों संगत आईया आवाज आई लोगों ने कन्ना में कि आज तारा राणी ने वायदा किया है कि मां भगवती अपने शेर से बैठ के सबन दर्शन देगी तो मां के प्रेमियों जिस टाइम उद्घाटन होया तो तारा राणी ने मां भगवती को याद किया जिस वक्त किसी सच्चे मन से मां को फरियाद सुनाई देती है उस वक्त ये मां शेरों वाली सपने में दिखाई मंदिर का उद्घाटन होने लग्या राजा कहंदा राणी ऐसा ना होए मंदिर का उद्घाटन हो जाए और तेरी मां ना आए देर ना हो जाए कहीं देर ओ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए कब आगी कब की डोरी टूट ना जाए कब आओगी बोलो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर करना तेरी आदत ही सही देर से ही सही मगर आ जा देर करना तेरी आदत ही सही देर से ही सही मगर आ जा आ जानी आजा आ जानी माए तेरा रसता उड़ीक दिया आ जानी माए तेरा रसता उड़ीक दिया रसता उड़ीक दिया संगता उड़ीक दिया रसता उड़ीक दिया संगता उड़ीक दिया आ जानी आ जानी आजा आ जानी माए तेरा रसता उड़ीक दिया आ जानी माए तेरा रसता उड़ीक दिया मंदिर तैयार होया उद्घाटन हो गया तो मां अपने बच्चिया के पर्दे हमेशा टकती रहती है अपने बच्चिया से कभी मां आंच नहीं आन देती इस मां के बच्चे जो अगे वैदे कर देते हैं महाराणी आपे पूरे कर देती है कहो जय माता दी जय माता दी फिर कह दे जय माता दी मंदिर का उद्घाटन होया एक चमत्कार हो गया चमत्कार की होया तारा राणी ने अंदर मां ने अपना प्रवेश कर लिया और मां का प्रवेश मां ने प्रवेश किया तारा राणी ने मुख विचो महाराणी बोलन लग गई जे तलवार खंडे नाल खेडे ते खेडन नू तैयार मैं जे अभिमान छोड़े तू राजा
तेरिया पुला नू बख्शन एक दिन रुकमण दे लई राजा एक खेल जरूरी होना सी क्योंकि लगदी सकी ए साली तेरी तेरा मेल जरूरी होना सी। और मंदिर में जितनी भी संगत आई सी महाराणी ने सब नू आशीर्वाद दिता अपने अपने चोलियां अड़ लो चोलियां अड़ लो आलती बालती लगा लो सब संता और सब भगता माता ने हुक्म सुनाया है जगराते विच कथा तारा राणी दा आ करके महत्व बताया है जिस जगराते विच कथा तारा राणी दी कोई सुनेगा या कोई सुनाएगा लाल चंद मुंह मंगिया मुरादा माँ को तो हर वेले ओ एक आशीर्वाद माँ ने होर दिता जोत जगा मने ओ फल पा यदि जोत असी एवें नहीं जगाते जोत जगावन ओ फल पावन ए माता दी वाणी है घर विच ओना दे मैं वास करांगी एक कहंदी याद क्योंकि जिथे मां दी जोल जल्दी है ना माँ दे प्रेमी हो तुसी सब समझदार हो जाने यार वो जगह बड़ी पागा वाली होंदी है जिस ते दी जो और मेरा अपना पर्सनल दावा है जिते जो जल्दी है कई कई किलोमीटर तक कोई दुर्घटना नहीं हो सकती जिते जिते तक छेड़िया की आवाज आती है जयकारिया की आवाज आती है ये जोत का जड़ा वाइब्रेशन है मां दे प्रेमियो सिर्फ सानू छोटी जी ड्यूटी करनी है अगे सारे ही काम है साडा काम की है सच्चा और सुच्चा रहना है बस कोई बीज मंत्र की लोड़ नहीं कोई पूजा पाठ की लोड़ नहीं ध्यान रखना किसी पूजा की लोड़ नहीं तुहानू कोई मंत्र नहीं आता गीता रामायण कुछ भी ना पढ़ो सिर्फ सुच्चे और सच्चे इहदे दरबार से आ जाओ ये आपे मां फल लेगी कहो जय माता और जे सच्चे सुच्चे होके अगर इहदी भगती करन लग जाओ फिर ये छाती दे नाल क्योंकि दुनिया कहती है कि मावा दे हर जाने लोको कौन परे मावा दे हर जाने लोको कौन परे मावा ठंडिया छावा छावा कौन मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे मावा ठंडिया छावा कौन करे मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे मावा ठंडिया छावा
इस वास्ते कहती है दुनिया कहती है मावा डंडियां जावा मावा डंडियां जावा मावा डंडियां जावा ओ मावा डंडियां जावा कहती तत्ती हवा ना लगे आकण तत्ती हवा ना लगे आकण तत्ती हवा ना लगे लाल तो सदके जावा बाबा ठंडिया जावा बाबा ठंडिया जावा बाबा ठंडिया जावा बाबा ठंडिया जावा मावर का ना कोई वे लोको मावर का ओ मावर का ना कोई वे लोको मावर का ना कोई माँ किसे दी कदे भी ना रुसे बाकी थे कदे भी ना रुसे बाकी से भी कदे भी ना रुसे कदे भी ना रुसे ओ बंदा बड़ा हर जोई मावर गाना कोई लोको मावर गाना कोई ओ मावर गाना कोई लोको मावर गाना कोई सानु दुख तकलीफ होती है असी मां नु कहंदे हां तो मां ने साडे नाल वादे किते होए ने कोई दुख नहीं आण देगी साडी दुख तकलीफ ते दूर कर देंदी है पर सब कुछ अपने उत्ते ले लेंदी कहो जय माता दी ये मां दा काम है ध्यान लगाना उहदे एहसान मानना जिन्हें सानू जन्म दिता है उहदा कर्जा नहीं ला सकते लेकिन इदा ते कई जन्म लै के जगत की जननी का नहीं ला सकते क्योंकि साडी मां नू भी इन्ने ही जन्म दिता है कह दो जय माता वो साडी जन्म देन वाली मां है ये जगत की जननी है ये पूरे जग का ध्यान करती है और ये अपने भगतां सेवकां दे अंग संग रहिंदी है कहो जय माता दी जिन्ना छड़ियां तेरे ते माए डोरा ओते कदे डोलने नहीं छड़ियां तेरे ते माए डोरा ओते कदे डोलने नहीं वो डोलदे नहीं मुखो बोलदे नहीं वो डोलदे नहीं मुखो बोलदे नहीं डोलदे नहीं मुखो बोलदे नहीं डोलदे नहीं ते मुखो बोलदे नहीं जिन्ना छड़ियां तेरे ते माए डोरा ओते कदे डोल दे नहीं जिन्ना छड़िया तेरे ते माए डोरा ओते कदे डोल दे नहीं नूरो अंग अंग तेरा कर जाइए 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 सब दी चोली पर मेरी वारी आई है ओ मेरी वारी आई है मेरी वारी आई है सब दी चोली पर मेरी वारी आई है ओ मेरी वारी आई है मेरी वारी आई है ओ जिनू पैण सदा तेरी आही लोड़ा ओ ते कदे डोल दे नहीं तेरी नरकिया तेरे ते माई डोरा ओ ते कदे डोल दे नहीं रकिया मैया ते तेरे डोरा ओ ते कदे डोल दे नहीं क्योंकि आजकल कलयुग का समय चल रहा है आजकल की होंदा है मुंह विच राम राम है और बगल विच की होंदा छुरी नहीं होंदी छुर्रा होंदा है अजकल छुरी दा भी काम नहीं चलता वस नहीं चलता जेड़ा साडा पला करदा है ना असी उदे ही पासे पूरा सोचदे पता नहीं लोग फिर भी इबादत क्यों करदे ने समझ नहीं आया मुंह में श्री राम है बगल में छुरी है ये नियत बुरी है जाने क्यों लोग इबादत किया करते हैं
जाग क्यों लोग इबादत किया करते हैं, जाग क्यों लोग इबादत किया करते हैं, जाग क्यों लोग इबादत किया करते हैं। ओम श्री राम बगल में ये नियत बुरी है, गलत नियत नाल इबादत करते हैं, असी सोचते हैं मां नूं पता नहीं होता। ध्यान लगाना, जन्म देन वाली मां जानती है मेरा पुत्र कैसा है, मेरी औलाद कैसी है, फिर ये तो जगत दी जननी है। बंदा बंदे नाल धोखा कर सकता है, इस महाराणी नाल नहीं हो सकता। कह दो जय माता, फिर कह दियो, फिर कह दियो, उच्ची बोलो। बेटा कथा कहाँ छोड़ी है? नहीं कह दी, मुंह में श्री राम है, कितने छोड़ी बेटा? कहाँ पे, कौन सा मंदिर, आपको कैसे पता? सुन रहे हैं, कह दो जय हां। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी,